हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जीटी, आई मीन गौरव थपलियाल, अ फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशन एडवाइज़र। आप देख रहे हैं जीटी फिटनेस मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है कि एक प्रोटीन सप्लीमेंट या प्रोटीन पाउडर कैसे चूज़ करें। ठीक है, जो भी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं या मेरे से न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एडवाइज़र आप कहो, उन लोगों के पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है किस तरीके से एक अच्छा प्रोटीन पाउडर चूज़ करें, बिकॉज पैसा हमेशा मैटर करता है। आप लोग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, सब लोग प्रोटीन पाउडर्स अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, मेजोरिटी। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100%, मेजोरिटी ऑफ द पीपल। ठीक है ना, अब क्या होता है कि सारे के सारे जाते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट ले तो लेते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि ये प्रोटीन सप्लीमेंट उनके लिए सही है। मतलब आइसोलेट भी खरीद रहे हैं, ब्लेंड भी खरीद रहे हैं, कोई कॉन्सेंट्रेट भी खरीद रहा है, जो भी खरीद रहे हो। उसे चूज़ कैसे करें द राइट वे, तो तीन बेसिक रूल मैं आपको बताऊंगा जो बहुत बेसिक हैं बट सबको नहीं आता है ये खरीदना इस तरीके से। तो मैंने सब पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लिया ताकि मैं आपको इजीली समझा पाऊँ, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है मेरे उसमें। ठीक है, फाइन। स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जो है, बेल आइकन जो बनाए उसे क्लिक जरूर कर लें ताकि आप अपडेट रह सकें इस तरह की न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। ठीक है, फाइन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, जब आप प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करना। ठीक है, आप बोलोगे हम चेक करते हैं 30 ग्राम की स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन होता है, राइट। चलो फाइन, पर इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, थोड़ा सा डीप जाएंगे, ज़्यादा नहीं। जब हम लोग एक प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदते हैं तो उसकी पहली सर्विंग हम लोग चेक करते हैं कि कितने ग्राम्स की है। लाइक अगर मैं मसल टैक का एग्जाम्पल लूँ तो मैं बता देता हूँ, इससे आपको पता भी चलेगा कि मसल टैक कितना अच्छा प्रोटीन है आपके लिए। मसल टैक का नीट्रो टैक आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसकी एक स्कूप 46 ग्राम्स की होती है, जिसमें आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 4 ग्राम्स कार्ब्स मिलते हैं, फैट 2.5 ग्राम मिलता है, ठीक है, और जो शुगर है वो 2 ग्राम्स है, एंड क्रिएटिन उसमें उन लोगों ने एडिशनल ऐड किया हुआ है जो कि 3 ग्राम्स है, फाइन। अगर मैं ओवरऑल इसे कैलकुलेट करूँ न्यूट्रिशन वैल्यू में, तो 46 ग्राम की स्कूप में आपको मिलता है सिर्फ 41.5 ग्राम, तो बाकी क्या है? अब सब कन्फ्यूज हो गए मैंने कि यार, मतलब 46 ग्राम की स्कूप है उसमें सिर्फ 41.5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, मतलब ओवरऑल कैलकुलेशन मिल रही है मैक्रोज की, तो क्या ये प्रोटीन हमारे सही है कि नहीं है? अगर मैं इसको कैलकुलेटिव वे में बोलूँ, हाँ, इट्स अ गुड प्रोटीन फॉर यू। ठीक है, कोई भी प्रोटीन अगर 90% वैल्यू दे देता है अपने स्कूप की, मिनिमम 90%, लाइक 46 ग्राम का स्कूप है, 41.5 ग्राम आपको ओवरऑल कैलकुलेशन मिल रही है न्यूट्रिशन की जो मैक्रोज में है, अगर आपको मिल जाती है तो इट्स अ गुड वन, और उससे ऊपर जाती है तो वो बहुत अच्छा है, जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन जो आप मैक्सिमम लोग चूज़ करते हैं, अभी पहला ही वो चल रहा है। ठीक है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का अगर मैं कैलकुलेट करूँ, काउंट करूँ, तो उसकी 30.4 ग्राम्स की स्कूप है, और जिसमें आपको प्रोटीन मिलता है 24 ग्राम्स, 3 ग्राम्स कार्ब्स है, 1 ग्राम फैट है, 1 ग्राम शुगर है। तो अगर इन सबको मैं टोटल करूँ तो ये निकलता है आपका 29 ग्राम्स, और स्कूप कितने की थी, 30.4 ग्राम्स की। तो ये आपका अराउंड जो टोटल न्यूट्रिशन वैल्यू है वो 95% बैठती है आपके स्कूप की, तो इट्स रियली ए गुड प्रोटीन। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका कि आप किस तरीके से निकाल सकते हैं कि स्कूप के थ्रू, कि एक स्कूप में इतना है, इतना कैलकुलेट किया, इसका इतना परसेंट निकला, तो ये आपके लिए एक अच्छा प्रोटीन है। फिर आता है इसमें सेकंड, जो कि मेन है हायरार्की। ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ख़राब हो सकती है, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करेगा जिनको सही से प्रोनाउंस करना आता है। तो हायरार्की जो है वो किस वे में है, इट्स शुड बी इन डिसेंडिंग, यू नो, उसमें लेवल में। अब डिसेंडिंग मतलब कि सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी गई है, अगर हम लोग चूज़ करते हैं वे प्रोटीन आइसोलेट, और आप नीचे देखते हो, कहते हैं कि जो उसमें डिसेंड हायरार्की में इंग्रेडिएंट्स लेवल में, कि सबसे पहले उन्होंने जो इंग्रेडिएंट लिखा है दैट इज़ मेल्टोडॉक्सट्रिन, तो टोटली रॉन्ग प्रोटीन है, बिकॉज ये बात आप भी जानते हैं, इट्स ए फॉर्म ऑफ शुगर, तो आप क्या गेट करेंगे, कार्ब्स एंड ग्लूकोज और फैट यू विल आप गेन करेंगे। किस तरीके से होना चाहिए, अगर वे प्रोटीन आपका आइसोलेट है तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट शुड बी वे प्रोटीन आइसोलेट, ना कि फैट, कार्ब्स या मेल्टोडॉक्सट्रिन या दूसरा कुछ, कॉर्न सिरप, इस तरह का फॉर्म ऑफ शुगर। अगर आपका वो नहीं है, पहले वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, वो भी गलत है।
सेम थिंग ब्लैंड प्रोटीन्स के साथ आता है, मतलब यूजली लोग बोलते हैं इट्स ए वे प्रोटीन आइसोलेट एंड पेप्टाइड्स, इस तरह का लिखा होता है और ये हमेशा आपके बॉक्स में मेंशन रहता है। तो उसमें भी आप इंग्रेडिएंट्स में ये चीज़ चेक करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में कि जो पहला इंग्रेडिएंट उन्होंने दिया है डिसेंडिंग में पेप्टाइड्स पहले आया है कि वे प्रोटीन आइसोलेट पहले आया। अगर वे प्रोटीन आइसोलेट देन पेप्टाइड्स है तो इट्स फाइन, वो एक ठीक प्रोटीन है, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा बट इट्स ए ओके प्रोटीन, आप उसे ले सकते हैं उस जो आप उसके लिए पे कर रहे हो। अगर वहीं पे वे कौन से कहते हैं आइसोलेट प्रोटीन है, ठीक है, पर मतलब आइसोलेट के नेम पे सेल हो रहा है बट जब उसका इंग्रेडिएंट आप चेक करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में और आप देखते हैं वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट एग आइसोलेट, इट्स नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो प्रोटीन पाउडर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने जैसे स्टडी करी इन चीज़ों के बारे में, उस वे में मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। फिर जो थर्ड पॉइंट आता है दैट इज फॉर्म ऑफ शुगर, कौन सी फॉर्म ऑफ शुगर उसमें मेंशन है। शुगर कहीं में 1 ग्राम होती है, कहीं में 2 ग्राम्स होती है, राइट, बट कौन सी फॉर्म ऑफ शुगर है। जो प्रायोरिटी ऑफ द शुगर का फॉर्म होना चाहिए दैट शुड बी सुक्रोज, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप मेल्टोडेक्सन ले रहे हैं या फिर उसके बाद कॉर्न सिरप करके आ रहा है। पहली प्रायोरिटी आपकी सुक्रोज होनी चाहिए, अगर वो नहीं है देन मेल्टोडेक्सन, ठीक है, और अगर कॉर्न सिरप या दूसरा कुछ लिखा हुआ है तो मेरा जो एडवाइस है वो यही है, प्लीज़ आप उसे बाय ना करें बिकॉज कॉर्न सिरप जो होता है इट्स अ फॉर्म ऑफ शुगर, आई नो, बट इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी नॉलेज है, बाकी आपके विश, ठीक है, और आपके ट्रेनर की। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स डोंट नो हाउ टू चूज द राइट प्रोटीन, ठीक है, काफ़ी सारे सप्लीमेंट जो सेलर्स हैं उनको भी नहीं पता है किस तरीके से एक प्रोटीन सप्लीमेंट बाय करना चाहिए और किस तरह से गाइड करनी चाहिए। दे आर जस्ट सेलिंग, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिलियन डॉलर बिजनेस एक्चुअली, तो आप कुछ भी बाय मत करिए, तरीका है। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें और इस तरह कैलकुलेटिव वे में प्रोटीन सप्लीमेंट्स बाय करें ताकि जो वो पे कर रहे हैं वो ऐसी बेकार ना जाए, ठीक है। और जिन लोगों के ट्रेनर्स एवं कोई भी फुद्दू सा प्रोटीन से चिपका रहे हो ना, उन्हें ये वीडियो दिखाना और उन्हें बोलना भाई तम से ना हो पाएगा, ठीक है। लव यू ऑल, आई होप कि आपको समझ में आए हो किस तरीके से प्रोटीन सप्लीमेंट बाय करना चाहिए। जय हिंद गाइज़।